फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के बारे में। तो अपन बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे, जो आपको 11th और 12th में बहुत काम। तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, उसी को अपन क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और एक एंगल को ले लूं मैं थीटा, और इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्यूएट एंगल। एक्यूएट एंगल, इस एक्यूएट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। और न्यून कोण की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, 90 से छोटी, ठीक है। ये होती है, इसी को कहते हैं एक्यूएट एंगल। अब बात करते हैं कि इस थीटा के सामने जो साइड होती है वो कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं लंब, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं तो इस 90 के सामने जो साइड होगी वो क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस। इसको हिंदी में कहेंगे कर्ण। और ये जो बच गई वो साइड होगी बेस, और इसको हिंदी में कहेंगे अपन आधार, ठीक है। अब ध्यान दें, ये थीटा लिया मैं, यदि मैं इसको एक्यूएट एंगल लूं तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस, और जो बच गई वो आपका बेस हो जाएगा। लेकिन मैंने थीटा ये लिया है, ध्यान रखना। इसका नाम ले लेता हूं मैं ए, बी और ये सी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो इसमें एक रिलेशन वेरीफाइड होता है। क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड आपको गिवन है तो आप तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इस हाइपोटेनियस से एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इस परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। और ये हिंदी वाले आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि इनमें ये रिलेशन तो हो गया, अब इनके साइड के बीच में जो रिलेशन अपन वेरीफाइड करेंगे वो क्या होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर रहे हैं अपन, तो साइड की रेशियो के बीच में जो आपका रेशियो का रिलेशनशिप होता है वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं कितने, 6 टाइप्स के होते हैं। पहली बात साइन थीटा, इक्वेट एंगल मैंने थीटा लिया तब की बात है। फिर मैं बात करूं फिर कौन सा, कोस थीटा, फिर कौन सा, टेन थीटा, और बाकी के इसके तीन उल्टे। अब साइन थीटा और कोस थीटा इसका फॉर्मूला कौन फाइंड आउट करेगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले नाथ, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोलेनाथ। और हिंदी मीडियम वाले आपको ध्यान में रखना है, लाल बटे कक्का। देखो इस फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगी, तो पी अपॉन में एच। पी क्या है, अभी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है परपेंडिकुलर, इस लंब से एल आ गया। फिर एच की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में कहते हैं कर्ण, कर्ण से क्या आ गया, किया गया, ठीक है। अब ये हाइपोटेनियस साइड कौन सी हो गई, यानी परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई, एबी। एबी अपॉन में हाइपोटेनियस एसी, ठीक है। इसमें बात करूं तो ये जो सेकंड रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको कोस को, तो सेकंड क्या है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू बीसी, हाइपोटेनियस की वैल्यू एसी। फिर टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर कितना है आपके, एबी, बेस कितना है, बीसी, ठीक है। आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये किसका रेशियो है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेशियो, चेक करके देख लेना, ठीक है। फिर मैं बात करूं कोट थीटा का, कोट थीटा इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा तो इसको उल्टा कर दीजिए,
उल्टा करेंगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बीसी अपॉन में एबी, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मैंने इसको उल्टा किया है तो इसका रेसिप्रोकल ये तो होगा वन अपॉन टेन थीटा, तो कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं वन अपॉन टेन थीटा, और इसको मैं रेशियो में चेंज करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं वन अपॉन में कोट थीटा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू इसकी हो जाएगी। उसके बाद में मैं बात करूं सेक थीटा की, सेक थीटा किसका उल्टा होगा इस कोस का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो एच अपॉन में बी, इसका भी रेसिप्रोकल कितना होगा AC अपॉन में BC, किसका उल्टा किया मैंने कोस का रेसिप्रोकल किया, तो वन अपॉन में कोस थीटा, एक ही लाइन में ऐसे माइंड में रखना आपको। फिर बात करता हूं मैं कोस सेक थीटा की, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, तो एच अपॉन में बी यानी AC अपॉन में AB इक्वल टू साइन का उल्टा किया तो वन अपॉन में साइन थीटा। अब देखो इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोस तो इधर और सेक इधर, तो ये वैल्यू तो किसकी हो गई वन अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, चेक करके देख लेना आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कि कोस थीटा किसके इक्वल वन अपॉन सेक थीटा के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा वन अपॉन कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर ये किसके इक्वल होगा वन अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल, यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आपके नाइन्थ और टेंथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं और ये बाद में इलेवंथ के अंदर क्या बन जाते हैं फंक्शन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन कब होंगे इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक पॉइंट पे कभी भी दो वैल्यू नहीं आती, तब उस केस के अंदर ये फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, ये तो थे आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू। ठीक है, इनको फॉर्मूले यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है, इन्हीं फॉर्मूले का यूज अपन आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करें तो ये आ जाते हैं अपन देख। हेडिंग आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपन 360 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ध्यान से देखना, मैं एक यूनिट रेडियस का सर्किल ले लूं। क्या ले लिया मैंने? यूनिट रेडियस का सर्किल। इस यूनिट रेडियस सर्किल में ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। यूनिट रेडियस का मीनिंग ही क्या है? आर की वैल्यू वन, यानी रेडियस का मतलब त्रिज्या की वैल्यू क्या है? वन यूनिट है। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे मैं एक इसकी रेडियस आर है, आर की वैल्यू कितनी है? वन है। ठीक है, अब ये जो इस पॉइंट पी के जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, यही होंगे। अब ये होंगे तब आर की वैल्यू वन है तो कोस थीटा कब थीटा? जब ये एंगल आपका क्या हो? थीटा हो, और ये आपका साइन थीटा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यदि मैं इस ओपी लाइन को इस पे प्रोजेक्शन अप्लाई करूं तो ये इस ओपी लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा? जीरो डिग्री। यानी इस कंडीशन के अंदर इस थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो है। उस कंडीशन के अंदर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वैसे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जानते हो, देखो ये आपकी पूरी यूनिट कितनी है? वन की है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वन कोमा जीरो होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो कोमा वन होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस वन कोमा जीरो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो कोमा माइनस वन। मैं पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या वैल्यू होगी? कोस जीरो कोमा साइन जीरो। यहां से देखना ध्यान से आप, ठीक है ना, इस यूनिट रेडियस सर्किल को एकदम माइंड में सेट करना। ये क्या है? कोस जीरो की वैल्यू वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। फिर मैं
ये लाइन इस लाइन पे आएगी तो इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब थीटा की वैल्यू इस केस में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री वैल्यू होगी तो इस केस के अंदर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पे लिख रहा हूं ध्यान से देखना कि कोस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ठीक है। एक चीज और लिख देता हूं मैं, 90 डिग्री को ही रेडियन के अंदर पाई बाय 2 लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि अपन 9 से लेकर 12 तक के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। यहां पे 180 डिग्री को मैं यहां पे यूज करूंगा पाई रेडियन के अंदर, और फिर बात करूं मैं 270 की, तो 270 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 पाई बाय 2, कितना 3 पाई बाय 2। फिर 360 की मैं बात करूं तो 360 को यूज करेंगे यहां पे अपन 2 पाई, ठीक है। ये वाली वैल्यू रेडियन में होती है, ये वाली वैल्यू रेडियन में, और ये वाली वैल्यू डिग्री में, ठीक है। इनको आप अभी से नोट डाउन कर ले, क्योंकि अपन एंगल के बीच में भी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। अब मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस कंडीशन के अंदर इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी, 180 यानी पाई होगी। तो इस केस में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देखिए, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं इसको, कोस 180 डिग्री कोमा साइन 180 डिग्री, यानी इसका मतलब क्या है, कोस 180 की वैल्यू माइनस 1 और साइन 80 की वैल्यू 0, ठीक है। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कोस कितना 270 डिग्री कोमा कोस साइन 270 डिग्री। इस कंडीशन में कोस 270 की वैल्यू 0, साइन 270 की वैल्यू माइनस 1। अब वापिस ये वैल्यू कितनी, यानी ये तो थीटा इक्वल टू 0 था और ये इस कंडीशन में वापिस आया तो 360 हो गया, और इस कंडीशन में भी क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे लिख रहा हूं मैं देखना कि कोस 360 डिग्री कोमा साइन 360 डिग्री, ये पोलर कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसको माइंड में रखना आपको। अब इसी फिगर का यूज करके अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको क्या समझाऊंगा, अपन 10th क्लास के अंदर कैसे डिस्कस करते थे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पहले आप 1 यूनिट रेडियस का सर्किल था, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, एक बार माइंड में रखना, इसका यूज करके अपन टेबल फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपकी वैल्यू है साइन थीटा, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री कौन सा आपका साइन, और फिर कौन सा है कोस, फिर कौन सा है टेन। यदि ये तीनों वैल्यू आ गई तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे एंगल आपका थीटा, ये आपका 0 डिग्री, और फिर 0 के बाद में आपका 30 डिग्री, ठीक है। 30 को ये क्या कहते हैं, पाई बाई 6। फिर मैं बात करूं, ठीक है, मैं 30 लिख रहा हूं, आप देखना था मुझे। फिर आपकी वैल्यू हो गई 45 डिग्री, फिर वैल्यू हो गई आपकी 60 डिग्री, फिर वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और फिर वैल्यू हो गई 180 डिग्री, 180 के बाद में 270 डिग्री, और फिर वैल्यू हो गई 360 डिग्री। चलिए देखिए, मैं बात करूं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आए अभी अपन यूनिट रेडियस में सीखा था, लेकिन आपको यहां पे फाइंड आउट करना है ऐसे, ये 0 काउंटिंग कर दो, 1, 0, 1, 2, 3 और 4, सब वैल्यू को 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, यानी 0 upon 4, 1 upon 4, 2 upon 4 और 3 upon 4 और 4 upon 4। मैंने काउंटिंग कर ली 0, 1, 2, 3, 4, फिर इस लास्ट वाली वैल्यू से मैंने 4 से लास्ट वाली वैल्यू से सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए, और रूट करने के बाद में जो जो वैल्यू आई वो यहां पे पुट कर दीजिए। 0 upon 4 कितना 0, 0 का रूट कितना 0, 1 का रूट कितना 1, 4 का रूट कितना 2, 2 का रूट कितना रूट 2, 4 का रूट कितना, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, 1 upon 2, इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 1 upon 2, तो 1 का रूट कितना 1, 2 का रूट कितना रूट 2, रूट 3 का रूट रूट 3, 4 का 2, इसको मैं कैंसिल आउट करूं 1, 1 का रूट कितना 1, ये सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए,
ये जीरो, ये वन अपॉन टू, ये वन अपॉन रूट टू, ये वन रूट थ्री अपॉन में टू, और ये वैल्यू आ गई आपकी वन। ये सारी वैल्यू लीजिए, ऐसे अपन को फाइंड आउट करनी है। अब इस वाली वैल्यू को पीछे से पकड़ के यहां पे रखनी है, तो कोस जीरो की वैल्यू वन, कोस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, कोस फोर्टी फाइव की वैल्यू यही सेम, कोस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू, कोस नाइनटी की वैल्यू जीरो, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, अभी तक वो नहीं फाइंड आउट किए, वो करेंगे अपन। उसके बाद में बात आती है कि टेन थीटा, टेन थीटा का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यानी साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दो, तो जीरो अपॉन वन, दो वैल्यू ध्यान में रखना, जीरो अपॉन वन जीरो और वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू, तो जीरो अपॉन वन कितना जीरो, इसको मैं इससे डिवाइड करूं, देखना ध्यान से, वन अपॉन टू को मैं रूट थ्री अपॉन टू से डिवाइड करूं तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट वैल्यू कितनी वन अपॉन रूट थ्री, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो सेम वैल्यू, जब सेम वैल्यू से सेम वैल्यू से डिवाइड होगी तो वैल्यू वन, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो ये टू कैंसिल आउट, वैल्यू कितना रूट थ्री, वन को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे अपन कोस की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो कोस की वैल्यू देखो, कोट की वैल्यू, कोस की नहीं कोट की वैल्यू, फिर वैल्यू आएगी सेक थीटा की, फिर वैल्यू आएगी, ये थीटा नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है थीटा आपको वहां पे दिया हुआ, और फिर वैल्यू आएगी आपकी कोस सेक थीटा की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोट थीटा की वैल्यू टेन से पीछे से पुट कर दो, या फिर आप फॉर्मूला जानते हो कोट थीटा का, क्या फॉर्मूला होता है कोट थीटा का, कोट थीटा कोस की वैल्यू को साइन वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वन को मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी रूट थ्री, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वैल्यू वन, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री, और इसको इसको इससे डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी जीरो। या देखो, इससे मैं ये वाली वैल्यू यहां पे और ये वाली वैल्यू यहां पे और ये वाली वैल्यू यहां पे, ये वाली वैल्यू यहां पे, ये वाली वैल्यू, यानी अपन क्या कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करते हुए जा रहे हैं और ये वाली वैल्यू यहां से पुट करते हुए जा रहे हैं, या फिर आप उस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेक थीटा का फॉर्मूला अपन डिस्कस किया था कि सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन में कोस थीटा होता है, तो वन अपॉन कोस की वैल्यू पुट करनी है, तो वन अपॉन वन कितना वन, वन अपॉन रूट थ्री अपॉन टू कितना उल्टा हो गए टू अपॉन में रूट थ्री, ये एक बता देता हूं, देखो वन अपॉन कोस थर्टी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाई टू, ये उल्टा होगा मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू टू अपॉन रूट थ्री ये तो होगा, और ये होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर इतना आएगा, इसको भी उल्टा कर दीजिए तो वन अपॉन ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू, इसको भी उल्टा कर दीजिए। अब ये देखो, ये वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, ये यहां पे रख दी थी तो ये इन्फिनिटी, ये टू, ये रूट टू, ये टू अपॉन में रूट टू रूट थ्री, और ये वाली वैल्यू वन, ये वैल्यू थी आपने टेंथ के अंदर डिस्कस करके आए हो कि जीरो से लेके नाइनटी के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। अब अपन इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि 180 70 की वैल्यू क्या क्या होती है, तो पहले एक फॉर्मूला माइंड में रखो। ठीक है, अभी अभी यूनिट रेडियस का सर्किल मैंने बनाया था, इस यूनिट रेडियस में ये वैल्यू आर की कितनी थी 1, माइंड में रखो उसको, आपने नोट डाउन किया नोट डाउन उसको देखो एक बार, ये जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना है 1, 0, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आया था 0, 1, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आया था -1, 0, ये कोऑर्डिनेट कितना आया था 0, -1। अब ये वाली वैल्यू, इस ये वाली वैल्यू तो किसको रिप्रेजेंट करता है कोस को, और ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था साइन, तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी 1, साइन जीरो की वैल्यू कितनी 1, आपको तो पाई की चाहिए, तो ये आपका जीरो और ये 90 डिग्री, और ये वैल्यू आपकी किसकी है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 वैल्यू। ठीक है,
अब देखो ये जो वैल्यू है ये वाले कोऑर्डिनेट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोस 180 डिग्री कॉमा साइन 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू कितनी है -1, साइन 180 की वैल्यू कितनी है 0, फिर साइन 270 की वैल्यू कितनी है -1, और साइन फिर 360 बात करूं तो साइन 360 की वैल्यू कितनी है 0। उसके बाद में मैं कोस 180 की बात करूं तो कोस 180 की वैल्यू कितनी है -1, और साइन कोस 270 की बात करूं तो ये वैल्यू 0, कोस 360 की बात करूं तो ये वैल्यू 0। यहां से अपने साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में आप फाइंड आउट कर सकते हो टेन की वैल्यू। टेन को कैसे करेंगे, इसको इससे मैं डिवाइड कर दो तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, जीरो को वन से डिवाइड करें तो जीरो आएगा, माइनस वन को जीरो से डिवाइड करूं तो इन्फिनिटी, जीरो को वन से डिवाइड करें तो जीरो। कोट की वैल्यू इस माइनस वन को इससे डिवाइड कर दो तो इन्फिनिटी, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आपकी जीरो, इसको इससे करो तो वैल्यू कितनी इन्फिनिटी। अब बात करूं मैं सेक की, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो वन अपॉन में कोस। अब देखो वन अपॉन कोस 180 की वैल्यू माइनस वन, वन को मैं माइनस वन से डिवाइड करूं, वन को माइनस वन से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन ही आएगी। फिर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं जीरो तो वन अपॉन जीरो की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, फिर वन पुट करो तो इसकी वैल्यू कितनी वन, ठीक है ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है कोस की आ गई। उसके बाद में सेक की बात कर रहा हूं तो सेक के अंदर यहां पे वैल्यू किसकी आएगी साइन की, साइन की आएगी तो वन अपॉन साइन 180 की वैल्यू कितनी जीरो, तो वन अपॉन जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी। फिर मैं यहां पे साइन 270 की वैल्यू पुट करूं तो माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन कितना माइनस वन, फिर यहां पे मैं जीरो पुट करूं तो वापिस क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। ये जीरो से लेके 360 के जो स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू है वो अपन इस टेबल के अंदर नोट डाउन कर लिए, और 10th तक आपकी इतना ही सिलेबस में है, ये 11th बाद में चलता है, ठीक है ना। तो 10th वाले बच्चे इतना ही आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन डिस्कस करते हैं साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए आप इसको नोट डाउन कर लेना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैं बात करूं तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपको 0 से लेके 360 तक सारी वैल्यू माइंड में रखनी है। उससे पहले हेडिंग तो मैं डाल देता हूं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसकी मैं बात करूं तो इससे पहले मैं एक यूनिट रेडियस सर्किल लिया था, इस सर्किल को माइंड में रखो, यहां पे एक पॉइंट आया था जिसकी कोऑर्डिनेट आया था कोस 0 कॉमा साइन 0। अब बात में आपको माइंड में ये रखना है कि साइन थीटा में इस पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पे साइन थीटा आपका 0 था और कोस थीटा आपका 0 था, ठीक है। यहां पे कोस थीटा 0 था और यहां पे आपका साइन थीटा 0 था, ठीक है। इस कंडीशन में इस थीटा की वैल्यू साइन थीटा कब कब 0 होगा, जब एन पाई हो, एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, जेड यानी इंटीजर, जेड यानी इंटीजर, इंटीजर यानी हिंदी में कह सकते हैं मैं पूर्णांक। फिर इसकी मैं बात करूं तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस 1 इनटू में पाई बाई 2, यहां पे भी n किस में बिलोंग करेगा इंटीजर के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इसको आप माइंड में रखना, थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। अभी देखो यहीं पे भी सेम आपको अपन जानते हैं क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो हर क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। ये आपकी लाइन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी, ये लाइन आपकी वाई एक्सिस होगी, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको स्टार्ट करना है ऑल, या फिर ऐसे ले सकते हो ASTC ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास,
ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, एस का मतलब साइन थीटा और इसका उल्टा कितना क्या होता है रेसिप्रोकल क्या होगा इसका कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव बाकी के सारे क्या होंगे नेगेटिव। मैं इसकी बात करूं तो टी से टेन, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा कोट थीटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव बाकी के सारे क्या होंगे नेगेटिव। सी से मतलब है कोस थीटा, कोस का उल्टा है कितना सेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे बाकी के सारे नेगेटिव। अब आपको बताया अभी भी मैंने डिस्कस किया था कि जीरो डिग्री या फिर जीरो पाई, यहां पे वैल्यू कितनी है 90 डिग्री या फिर मैं लिख सकता हूं रेडियन में पाई बाई टू। फिर मैं यहां पे बात करूं तो ये वैल्यू पाई या फिर लिख सकते हो आप 180 डिग्री, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई टू, उसमें डिग्री में आप लिख सकते हो 270 डिग्री, और फिर वापिस इसी पॉइंट पे आगे वापिस ऐसे घूमते घूमते आएंगे तो आपका ये वन साइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 270 डिग्री, 360, और 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले ही क्वाड्रेंट की बात करूं तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, तब उस कंडीशन के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। बस माइंड में ये रखना है कि यहां पे जो एक्स एक्सिस लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन के अंदर साइन थीटा आपका जीरो होगा, तो ये देखो साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी जीरो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे साइन थीटा आपका क्या होगा, अब थीटा कब जीरो होगा जब वैल्यू एन पाई हो और एन बिलोंग्स टू किस में कैपिटल जेड के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के अंदर कोस थीटा हमेशा क्या होगा जीरो होगा, और थीटा कब जीरो होगा जब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो और n बिलोंग्स टू कैपिटल z। इसका मतलब n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे 3 पाई बाई 2 आ गया, 2 पुट करोगे 5 पाई बाई 2, ऐसे चलता जाएगा। यानी इस लाइन पे cos की वैल्यू 0 ही होगी हमेशा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस लाइन के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। अब नो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है वो देखिए कि साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, ठीक है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने खुद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रहेगा, और इसकी मैं बात करूं तो वाई एक्सिस पे साइन किस में चेंज होगा कोस में चेंज होगा, और कोस किस में चेंज होगा साइन में चेंज होगा, और इसका टेन किस में चेंज होगा कोट में, कोट किस में चेंज होगा टेन में। फिर मैं बात करूं सेक थीटा की तो सेक किस में चेंज होगा कोसेक के अंदर, और कोसेक किस में चेंज होगा सेक के अंदर, तो इसमें क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये लाइन कौन सी है एक्स एक्सिस है, ये लाइन कौन सी है वाई एक्सिस है। अब देखो अब मैं फर्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको लेना है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आप 9 तक पढ़ के आते हो, तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा, 90 की जगह आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, और फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बात करते हैं 90 माइनस थीटा, इस 90 से थीटा कम होगा तो इस क्वाड्रेंट की बात चलेगी, इस क्वाड्रेंट के अंदर ये जो 90 है इसी की वजह से ये वाली वैल्यू इसी पे लाई कर रही है, इस लाइन पे कर रही है, तब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा होगा तो साइन कोस में चेंज और कोस साइन में चेंज, और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे पॉजिटिव, तो साइन किस में चेंज कोस में, और साइन का इसमें ये जो साइन हो कितना आएगा पॉजिटिव, फिर कोस किस में चेंज ये सारे आपके क्या होंगे पॉजिटिव, टेन किस में चेंज कोट में चेंज, और कोट किस में चेंज साइन में चेंज, कोट किस में टेन में चेंज,
फिर ये सेक इसमें चेंज, कोसेक में चेंज, और ये किसमें चेंज, सेक थीटा में चेंज, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है, इतना आप रख सकते हो। फिर मैं बात करूं इसमें आपका जो साइन है वो यदि मैं यहां पे पॉजिटिव कर दूं तो 90 के अंदर आप 1 भी ऐड करोगे तो थीटा की स्मॉल क्वांटिटी भी ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन ही पॉजिटिव है आपका। यदि साइन पॉजिटिव है और कोस पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, और ये वाली वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है। इस पूरे इंटरवल के अंदर साइन और कोस ही पॉजिटिव, बाकी के सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये लीजिए बाकी सारे, ये तो मैंने रेड कलर लगाया है, तो ये रेड कलर देखो नीचे वाले में है, तो ये जो नीचे साइन आपको नजर आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये रेड वाले साइन आएंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मैं बात करूं कि इसकी जो सेकंड है वो मैं बात करूं किसकी है, 180 की बात कर लेता हूं मैं, 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं तो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड फॉर्मूला आएगा आपका कोस 180 माइनस थीटा, फिर वैल्यू आएगी आपकी साइन 180 माइनस थीटा, फिर वैल्यू आएगी कोट 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा, फिर कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि 180 तो यहां तक ही है, इससे आप कुछ ही माइनस करोगे तो ये वैल्यू यहीं पे वेरी करेगी, और यहां पे वेरी करेगी तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोस चेंजेबल होगा। अब बात देखो आपकी जो 180 वैल्यू किस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, और कोसेक कोसेक में रहेगा। बात करते हैं कि इनके साइन क्या होंगे, साइन और कोस का साइन नेगेटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी के सारे नेगेटिव। तो पहले तो मैं इसको सेम लिख देता हूं, और ये आपका कोट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये आपका कोसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव है, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। ये लो समझ गए होंगे। अब मैं साइन को चेंज कर रहा हूं, देखो बस यहां पे प्लस की जगह माइनस कर रहा हूं, तो प्लस 180 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में गया, इस क्वाड्रेंट के अंदर 10 और 40 पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो 10 और ये दोनों पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये मैं पॉजिटिव करते हैं ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव की कंडीशन में पॉजिटिव आएगा, और ये मैं पॉजिटिव करती हूँ तो ये नेगेटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव भी क्या रहेगा, नेगेटिव। बस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 40 पॉजिटिव लेना है, बाकी के सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये 10 हो गया, ये कोट हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। बस आपको माइंड में रखना है कि मैंने माइनस ब्लू लाइन का ऊपर वाला लिया है तो यहाँ पे ऊपर वाला ब्लू क्या है, ठीक है, नीचे वाले में मैंने रेड कलर यूज किया है तो यहाँ पे नीचे वाले रेड कलर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये आपको माइंड में होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं 270, इसको आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो ये देख लेना आप इतना कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको रब कर देता हूं मैं। अब मैं बात करता हूं 180 प्लस की बात करूं, 180 प्लस तो हो गया, 270 की बात करूं मैं, तो 270 की बात करें तो देखो थर्ड कंडीशन आएगी आपकी 270 डिग्री माइनस थीटा, इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, 3π/2 माइनस थीटा, एक ही बात है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा आपका 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक के बाद में कोसेक
270 डिग्री माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा आपका 270 में आपने कुछ भी माइनस करोगे, माइनस करते हुए इस क्वाड्रेंट की बात चलेगी, इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। बात करते हैं कि जो 270 वैल्यू वो किस पे है, y एक्सिस पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो साइन किस में चेंज, कोस में चेंज, और कोस किस में चेंज, साइन में चेंज, और टेन किस में चेंज, कोट में चेंज, और कोट किस में चेंज, टेन में चेंज, और सेक किस में चेंज, कोसेक में चेंज, और कोसेक किस में चेंज, सेक में चेंज। बस बात ये याद रखनी है कि 270 में आप कुछ माइनस करोगे तो बात थर्ड क्वाड्रेंट की चलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट ही पॉजिटिव है, तो टेन ये पॉजिटिव और ये कोट आपका पॉजिटिव है, ये साइन चेंजेबल होगा इनकी वजह से, इनकी वजह से नहीं होंगे, इनकी वजह से ये साइन चेंजेबल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलिए बाकी के सारे क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे, ये लो नेगेटिव। अब मैं बात करूं कि यदि मैं इसकी जगह ये कर दूं, क्या कर दूं, यहां पे प्लस लगा दूं, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक ही पॉजिटिव है, तो प्लस लगाता हूं पहले, तो ये प्लस लगा, इसमें कोस और सेक को ही पॉजिटिव बनाना है, कोस तो ये रहा, ये कोस, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना इस चीज का, और फिर कौन है सेक, तो ये सेक, सेक का क्या आपका प्लस का कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब मैं बाकी के सारों पे क्या लगा दूं, नेगेटिव, तो रेड साइन नीचे वाली वैल्यू के लिए आएगी, नीचे वाली वैल्यू के लिए आएगी, तो 270 प्लस थीटा के लिए ये नीचे वाले साइन आएंगे, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, आप एक एक लिखना चाहो तो एक एक भी लिख सकते हो। इसके बाद में फोर्थ की मैं बात करूं, कितना 360 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे प्लस की बात कर लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 2π माइनस थीटा प्लस की बाद में बात करते हैं। वैल्यू आएगी सबसे पहले साइन 360 माइनस थीटा की, फिर वैल्यू आएगी आपकी कोस 360 माइनस थीटा की, फिर बात करेंगे अपन टेन 360 माइनस थीटा की, फिर बात करेंगे अपन कोट 360 माइनस थीटा की, फिर बात करेंगे सेक 360 माइनस थीटा की, फिर बात करेंगे अपन कोसेक 360 माइनस थीटा की। अब 360 माइनस थीटा, 360 में आप कुछ भी माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट आपका कौन सा, देखो इस 360 साइन पे इसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो इधर, और ऐड करते फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसमें आपका कोस और सेक की आपका क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। बात करते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, तो 360 इस लाइन पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, और सेक सेक में रहेगा, और कोसेक कोसेक में रहेगा। अब बात करते हैं कि जो साइन आएंगे वो कौन से आएंगे, 360 माइनस थीटा है तो कोस और सेक ही पॉजिटिव, तो कोस कहां पे आपका, ये रहा कोस, तो कोस पॉजिटिव रहेगा, और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब मैं चेंज कर रहा हूं, इस 360 में आप 1 भी ऐड कर दोगे तो 361 इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, तो प्लस लगा देता हूं, ये प्लस यहाँ पे प्लस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, तो इन सारों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये थे हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फंक्शन की, हर क्वाड्रेंट के अंदर उसके साइन क्या होंगे, उसके चिन्ह क्या होंगे वो, अब आप इनको क्रमवाइज नोट डाउन कर लेना एक एक वैल्यू को, ठीक है ना, चार केस बनाए मैंने, ठीक है, काम आएगा ये। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में।
देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में अपन डिस्कस करें तो आप 10th क्लास के अंदर 3 आइडेंटिटीज का के बारे में पढ़ गए। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटीज यहां पे आपकी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटीज आपकी यहां पे थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आप 10th क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। इन 3 से 2-2 फॉर्मूले, दो दो फॉर्मूले और निकलते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को उठाऊ तो इधर रूट लग जाएगा, ये आप कर सकते हो। फिर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनका यूज होगा इन्हीं के अंदर आइडेंटिटी के अंदर। फिर मैं यहां से वैल्यू निकालू सेक स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 11 12th में काफी यूज होगा इनका। फिर मैं बात करूं टेंथ की, बात करूं तो टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव और ये वैल्यू इधर लेके आ जाइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेक स्क्वायर थीटा की, क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर मैं बात करूं कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इन आइडेंटिटीज को आप 1/1 नोट डाउन कर लेना। अब अपन फोर्थ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि दो एंगल दिए हुए उनके बीच में एक रिलेशनशिप आएगा, उस रिलेशन को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर पे आप, ठीक है, 4 नंबर की आइडेंटिटी आएगी, इंपोर्टेंट है, क्या है आपकी साइन एक्स प्लस की दो एंगल का सम दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज होगा इनका तो इनका अपन यूज करेंगे। फिर मैं बात करूं इसमें साइन एक्स माइनस वाई का सेम फॉर्मूला है, बस जहां पे आपको प्लस नजर आए वहां पे माइनस लगा दो तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये यहां पे प्लस था तो यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। फिर मैं बात करूं कोस की तो कोस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होगा कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस, तो ये वैल्यू आएगी आपकी साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर मैं बात करूं कि इसमें कोस एक्स माइनस की बात करूं तो कोस एक्स माइनस वाई की मैं बात करूं तो वैल्यू आपकी आएगी कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब ये तो साइन और कोस हो गया, टेन की भी बात करूं यहां पे तो टेन एक्स प्लस वाई, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, टेन वाई यहां पे प्लस है तब यहां पे माइनस आएगा और यहां पे आपका माइनस आएगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5। फिर मैं बात करूं कि टेन एक्स माइनस वाई की मैं बात कर लूं तो टेन एक्स माइनस वाई की बात करूं तो यहां से आपको यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस लगा दो तो टेन एक्स प्लस में टेन वाई अपॉन में 1 प्लस, यहां पे प्लस था तो माइनस लगाइए और यहां पे माइनस तो प्लस, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप कंबाइन भी करके लिख सकते हो क्योंकि इन इक्वेशन का मैं यूज करूंगा इसीलिए मैं इनको अलग से लिख रहा हूं। उसके बाद में यहां पे लिख देता हूं मैं आपकी कोट वाली वैल्यू, तो कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आएगा आपका कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1 अपॉन में कोट वाई प्लस कोट एक्स। यदि इसी फॉर्मूले में आपका
एक्स प्लस माइनस लगा दो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस वन अपॉन में कोट वाई माइनस कोट एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेवन और ये आपकी एट। इन इक्वेशन को माइंड में रखना है। ये देखो इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन को वेरीफाइड हो रही है सारे, ठीक है। ऐसे अपन इन फॉर्मूले को, ये चार नंबर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे 2x के जितने भी फॉर्मूले उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं साइन की बात करूंगा, तो साइन की बात करेंगे तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। इक्वेशन 5, 6, 7, 8 को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना इनको, यानी जो आपका फिफ्थ पे अपन किसकी बात करेंगे, 2x के जितने भी फॉर्मूले उनके बारे में आपको क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है, y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y की वैल्यू में x पुट कर दूं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो वैल्यू आपकी आएगी साइन x प्लस एक्स इक्वल टू साइन x इंटू कोस वाई। एक्स y की वैल्यू कितनी है x, प्लस कोस x तो x है और साइन y की वैल्यू कितनी है x, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन 2x, x प्लस x कितना 2x, और ये देखो सेम वैल्यू है, बस ये तो आगे पीछे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन x इंटू कोस वाई, और दोनों सेम वैल्यू जब एड होगी तो कितनी 2 साइन x इंटू कोस x। एक फॉर्मूला यहां से ये आएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा, और वो होगा तो क्या होगा, वन होगा, और वन को क्या लिख सकता हूं टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। वन को लिख सकता हूं मैं क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। अब वन होती है तो नीचे से मैं साइन कोस स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो कितनी वैल्यू आएगी, कोस स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये तो वन हो गया, और यहां से कॉमन लिया तो साइन अपॉन कोस क्या वैल्यू आई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू। कोस से कोस कैंसिल आउट, और ये साइन अपॉन कोस कितना 10, तो 2 इंटू 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी साइन 2x के कितने फॉर्मूले बन गए, दो फॉर्मूले, फर्स्ट साइन और कोस में, सेकंड 10 के अंदर, ये आपका साइन 2x का फॉर्मूले का टेबल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप नोट डाउन कर लेना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन डिस्कस करते हैं 2x के नेक्स्ट कोस 2x की बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, आप देख लेना इसको। अब आपको क्या करना है, इस 2x ये 50 है, थोड़ी सी मैं वो यूज कर लेता हूं जगह, देखो या फिर यहीं पे देखो। इक्वेशन नंबर जो आपकी थर्ड है उसमें आपको पुट करना है वाई की वैल्यू एक्स पुट करना है। यदि मैं y की वैल्यू x यहां पे पुट करूं तो x प्लस x कितना 2x, और यहां पे पुट करूं तो ये cos x, तो cos x इंटू cos x कितना, cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x। cos x प्लस cos x कितना, cos x इंटू cos x कितना cos स्क्वायर x माइनस ये कितना साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स का। ये कब है, जब कोस स्क्वायर की वैल्यू कोस और साइन के अंदर, ठीक है, कोस 2x का। अब मैं इसी को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, आइडेंटिटी जो फर्स्ट आपको आइडेंटिटी लगाई थी उसकी के अंदर, और ये वैल्यू हो गई सेम। अब ये तो 1, ये सेम वैल्यू है, सेम ही साइन की है, तो एड हो गए माइनस
टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आपकी यहां से हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को मैं वापिस चेंज कर रहा हूं, देखना थोड़ा सा, इसी को मैं वापिस चेंज करूं तो कोस टू एक्स को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोस के फॉर्मेट में वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूं, और इसी को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स कितना, टू इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये किसका फॉर्मूला है, कोस टू एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपका आ गया साइन और कोस में, ये कोस की वैल्यू साइन में और ये कोस की वैल्यू कोस में। अब यहीं से देखो, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कोस टू एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, कुछ नहीं है तो वन है और वन है तो वन को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे में कोस से डिवाइड कर दूं, इसको भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो वन, और इसको मैं साइन स्क्वायर को कोस से डिवाइड करूं तो साइन अपॉन कोस कितना टेन स्क्वायर एक्स, अपॉन इसको कोस से डिवाइड करूं तो वन और इसको मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो वैल्यू हो गई आपकी टेन स्क्वायर एक्स, ये कोस की वैल्यू टेन के फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू थी, कोस टू एक्स की वैल्यू थी, चार फॉर्मूले हैं इसके, इनको आप माइंड में रखना है। अब इन्हीं को मैं एक ही लाइन में इसको लिख देता हूं कि कोस टू एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो देखो, कोस टू एक्स की वैल्यू कोस और साइन के फॉर्मेट में, कोस की वैल्यू ओनली साइन के फॉर्मूले में, कोस की वैल्यू ओनली कोस के फॉर्मेट में, और कोस की वैल्यू ओनली टेन के फॉर्मेट में। ये अब यहां से और यहां से, इन दोनों से क्या लिख सकता हूं, ये भी आपको माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों, और वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स, देखो ये वाली वैल्यू तो इधर आएगी तो 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 1 माइनस कोस 2x, इस 2 को उठाऊं तो नीचे, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x अपॉन में 2, एक ये फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर का। फिर मैं इसको और इसको लू तो कोस 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो वन प्लस कोस टू एक्स इक्वल टू टू इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इस टू को भी इधर भेज दूं तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस कोस टू एक्स अपॉन में टू, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है, बहुत ज्यादा यूज होंगे, गोल्डन फॉर्मूले के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये 2x के सारे फॉर्मूले, और ये 2x से ही वैल्यू दोनों आई है, इसमें माइनस आएगा उसमें प्लस आएगा और सारा सेम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं tan 2x की, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और tan 2x की मैं बात करूं तो जो इक्वेशन नंबर आपको फिफ्थ लिखाई थी, और फिफ्थ कौन सी इक्वेशन थी वो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ क्या इक्वेशन थी, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है, इसी इक्वेशन के अंदर यदि मैं वाई की वैल्यू एक्स पुट कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई की वैल्यू एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, वाई की वैल्यू कितनी x, तो इसको तो लिख देते हैं अपन टेन एक्स प्लस एक्स कितना टेन टू एक्स, और इसको लिख सकता हूं मैं टू इंटू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ऐसा ही फॉर्मूला किसका आया था, साइन टू एक्स का फॉर्मूला था, लेकिन यहां पे प्लस था कि कंफ्यूजन नहीं होना।
फिर मैं इसी में दूसरे की बात करूं तो फ्रॉम कोट की बात करूं तो फ्रॉम इक्वेशन सेवन, सेवन इक्वेशन क्या थी, कोट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोट एक्स इंटू कोट वाई, कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस वन अपॉन में कोट वाई माइनस कोट एक्स सॉरी प्लस, ठीक है। इसी में क्या पुट कर दो, y की वैल्यू में x पुट कर दो, तो ये x प्लस x कितना cot 2x, ये cot x इंटू cot x कितना cot स्क्वायर x माइनस वन, ये cot x प्लस cot x कितना 2 इंटू cot x, ये लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए आपके 2x के। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं अपन 3x के जितने भी फॉर्मूले आपके उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, सिक्स्थ पे आई आपकी प्रॉपर्टी आएगी 3x वाले फॉर्मूले, 3x के अंदर पहला फॉर्मूला आपका साइन 3x का, साइन 3x को के आपको माइंड में रखना है कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये सीक्वेंस माइंड में रख लिया तब इनसे कुछ से आप माइंड में रख सकते हो। साइन की वैल्यू साइन साइन है तो साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, यदि कोस है तो कोस की वैल्यू कोस में रहेगी, बस उल्टा चला दो, ये 4 फिर कोस क्यूब एक्स फिर माइनस फिर 3 इंटू कोस एक्स, ऐसे माइंड में रखना है। 10 की वैल्यू 10 में रहेगी लेकिन माइंड में किसे रखोगे वो देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, कट के वापस 1 ही आएगा। अब क्या करवा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही है, ऊपर नीचे यानी इसके क्रॉस में 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये 3 हो गया ये 3 हो गया, और इसी को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो टेन 3x का फॉर्मूला क्या आएगा, 10 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 इंटू 10x माइनस 10 स्क्वायर के इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका टेन 3x का फॉर्मूला। फॉर्मूला ऐसे माइंड में रखना है, याद तभी ऐसे होगा, अदरवाइज आप जिंदगी में कितनी बार याद कर लेना आप बार बार भूल जाओगे इसको, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, जैसे आपकी मर्जी है वैसे याद कर लेना, आपको अच्छा लगे, ठीक है, फीलिंग अच्छी आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका सेवंथ प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं, सेवंथ आइडेंटिटी की बात करता हूं, 3x के फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट अपन 8 पे डिस्कस करते हैं, 8 के अंदर यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर दूं, ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इनको, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी इसका मतलब क्या, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड होगी तो ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये ऐड होगी तो ये दोनों सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट होगी ये दोनों सेम है, और यहाँ पे आपका प्लस है यहाँ पे प्लस, दोनों वैल्यू ऐड हो गए कितना, 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, यदि ये ऐड होगी तो ये भी तो ऐड होगी, और ये ऐड करूं तो साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई, ये लीजिए, उसके बाद में 1 को मैं माइनस कर दूं किससे 2 से, तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ये माइनस ये भी माइनस ये प्लस, ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, ये दोनों एड होगी क्या होगी 2 इंटू कोस x इंटू साइन y इक्वल टू, ये दोनों को एड कर दो तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, यदि मैं इक्वेशन 3 को 4 में ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं तो ये सेम वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो गए कितना 2 इंटू कोस एक्स इंटू कोस वाई, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, ऐड करो तो कोस एक्स प्लस वाई प्लस में कोस एक्स माइनस वाई, ये लीजिए, फिर
थ्री में यदि मैं फोर को एड करूं, देखना ध्यान से, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये माइनस है, ये माइनस है, सेम वैल्यू है, एड हो गया कितना, माइनस का टू इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। अब आपकी बुक में इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया हो, आपको याद करना है, ऐसे कीजिए आप याद, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर एट, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अब और एक प्रॉपर्टी आएगी, वो प्रॉपर्टी को भी ध्यान से एक ट्रिक आपको बताता हूं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको माइंड में रखना है, ठीक है, देखना, वरना आप जिंदगी में कभी भी याद कर लेना ये सारे फॉर्मूले वापस भूल जाओगे। ट्रिक को पकड़ो, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग माइंड में बिठाओ। देखो नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये तो होगा, होगा नहीं लेकिन फील करके करवाना है, ठीक है, फॉर्मूला माइंड में रखने के लिए। फिर इस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, और इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोस एक्स प्लस कोस वाई, और कोस को नीचे वाले को और मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोस एक्स माइनस कोस वाई, ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है, होते नहीं है, बस सपोज करके एक बार फील करवाना है, फॉर्मूले को बताना है। फर्स्ट दोनों फॉर्मूले के लिए इस एक इक्वेशन का यूज करेंगे, दोनों के अंदर एक सीक्वेंस आपको ये मिली और दूसरी सीक्वेंस आपको ये मिल जाएगी, तो इसके अंदर ये सीक्वेंस बिठा दो, पहला कौन है साइन, फिर कौन है कोस, बस ये सीक्वेंस बिठाना है। यदि ये याद हो गए तो आप कहीं पे भी कोई सा फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। फिर दूसरे फॉर्मूले में ये वाली सीक्वेंस, यानी सेकंड में ये वाली, तो सेकंड में क्या आपका कोस पहले है और साइन बाद में। अब ये कोस की बात करो तो कोस वाला फॉर्मूला ही है, इसमें फर्स्ट सीक्वेंस क्या आपकी, यहां पे कोस है और यहां पे भी क्या है कोस, इसमें माइनस प्लस था तो मैंने प्लस लिया, इसमें माइनस है तो अब माइनस लो, ये माइनस, ये साइन और ये साइन, ठीक है। अब देखो इस फर्स्ट बॉक्स से लिखने के पहले पहले सबको टू से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये टू, ये टू, ये टू और ये टू, ठीक है ना, ऐसे ही याद होंगे, जिंदगी में कितनी बार याद कर लेना कभी भी याद नहीं होंगे, बस ऐसा एक फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट में अकॉर्डिंग आप माइंड में इसको सेट कीजिए और फिर आप याद कीजिए। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या लेना आपको, एक्स प्लस वाई अपॉन में टू, इसी में भी एक्स प्लस वाई अपॉन में टू, सेम वैल्यू जब होती है तो आप माइंड में एकदम एग्जैक्ट माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम ही तो वैल्यू पुट किया है मैंने, इसमें प्लस पुट किया तो इसमें माइनस पुट कर दो, एक्स माइनस टू अपॉन में टू, एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, एक्स माइनस वाई अपॉन में टू और एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, वैसे नोटबुक पे लिख के आपको बताया हुआ था, ये आज मैंने बोर्ड पे वीडियो बनाया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके आगे इन क्लास के अंदर जो भी काम आएंगे वो सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में, तीन इक्वेशन है, उन तीनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए देखिए। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को आप हिंदी में कह सकते हो त्रिकोणमितीय समीकरण। फर्स्ट इक्वेशन आएगी आपकी साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ है, तब इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स की वैल्यू होगी एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, और एन कहां पे बिलोंग करेगा, कैपिटल जेड में करेगा, और जेड क्या आपका
इंटीजर कह सकते हो, हिंदी मीडियम वाले पूर्णांक कह सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन आपकी आएगी इसकी, वो देख लीजिए। कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, टू एन पाई प्लस माइनस वाई, और एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। ये वाई वाली वैल्यू यहां पे पुट हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड नंबर की जो इक्वेशन होगी वो होगी टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, इसमें x की वैल्यू क्या होगी कि x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई और n बिलोंग्स टू z और z क्या आपका इंटीजर। तो ये तीन इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी। ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज पे पूरा कंप्लीट एक वीडियो, पूरे बेसिक से लिया है वीडियो।